रखी है, तो बीइंग अ कश्मीरी वी आर फिजिक्स वाला जो है वी आर ब्रिंगिंग द सेकंड पार्ट और आई वुड से द सेकंड सेशन ऑफ पीडब्ल्यू एन सेट जो हमने रिसेंटली कराया था इन प्रीवियस मंथ्स एंड वी डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रॉक्सीमेटली 200 करोड़ ऑफ स्कॉलरशिप्स और हमने यहाँ के बच्चों के भी स्कॉलरशिप्स डिस्ट्रीब्यूट करी है आई थिंक ऑन यस्टरडे। कोशिश करते हैं कि मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो है उनको हम ऑफर करें फाइनेंशियल असिस्टेंस ताकि उनको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए एट फिजिक्स वाला श्रीनगर और अदर ब्रांच ऑफ फिजिक्स वाला ऑल ओवर इंडिया। सो दिस टाइम ऑल्सो वी आर अगेन ब्रिंगिंग द स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफ 200 करोड़ जिसमें कश्मीर का भी एक बड़ा पोर्शन रहेगा। व्हाट एक्चुअली फिजिक्स वाला इज बिकॉज मे बी शायद कुछ लोग अभी भी हमसे अनजान हो कि व्हाट एक्चुअली फिजिक्स वाला इज। सो शुरुआत में करूँगा इस पॉइंट से कि फिजिक्स वाला जो है वी आर अ एडटेक प्लेटफॉर्म, हम एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करते हैं, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके हम अपने सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारा जो मेजर एम्फेसिस रहा है अभी तक वो यही है कि हम अगर आई वुड से अ वर्ड कि अगर हमारा विजन है मिशन रहा है वो यही रहा है कि हर बच्चा जो पढ़ना चाहता है एंड बिकॉज ऑफ एनी रीजंस इधर डिस्टेंस और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो क्वालिटी एजुकेशन एफर्ट नहीं कर पाता है सो फिजिक्स वाला इज़ देयर फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो दूर रहते हैं शहरों से जिनके पास क्वालिटी एजुकेशन एफर्ट करने की सहूलियत नहीं है या पॉसिबिलिटी नहीं है, वी आर देयर फॉर देम। सो हमारा मेजर जो विजन है वो यही है और इंशाल्लाह विथ एडटेक प्लेटफॉर्म विद इंटीग्रेशन ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रॉपर्टीज जो फिजिक्स वाला एडटेक के पास है तो हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि हम हर उस रीजन में पहुँचे जहाँ पे एजुकेशन की डेफिशिएंसी है एंड वी वांट टू कन्वर्ट द डेफिशिएंसी इनटू द एफिशिएंसी ताकि हर बच्चा इंशाल्लाह कश्मीर का एंड ऑल ओवर इंडिया का इस काबिल बने कि वो अच्छी सी अच्छी एजुकेशन पाए और फ्यूचर में एक अच्छे से अच्छे पोस्ट पे वो हो और एक अच्छा इंडिया का सिटीजन भी बने। वी स्टार्टेड विद अ सिंगल प्लेटफॉर्म विद अ सिंगल चैनल एंड विद अ सिंगल पर्सन। तो अभी की अगर आप बात करेंगे तो हमारा ऑनलाइन में अभी 32 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स है, 28 कैटेगरीज में हम अभी काम कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में सारी की सारी कैटेगरीज है। सो बीट यूपीएससी, बीट फाउंडेशन, बीट प्री नर्सरी, रिसेंटली हमने ये भी शुरू किया है, बीट कॉमर्स, बीट आर्ट्स, बीट साइंस और एनी अदर सेक्टर। तो ओवरऑल 28 कैटेगरीज में हम अभी वर्क कर रहे हैं इन द एजुकेशन प्लेटफॉर्म। 12 वर्निकुलर लैंग्वेज में हम काम कर रहे हैं जिसमें हिंदी आएगा, उर्दू आएगा, बंगाली आएगा, एसएमईज आएगा एंड मेनी अदर चैनल्स। 70 ऑफलाइन की मैं अगर बात करूं, जैसे सेंटर में हमें बैठे हुए हम उसको विद्यापीठ बोलते हैं, इट इज़ अ हिंदी वर्ड जिसका मतलब अगर मैं नॉर्मल बोलूं तो स्कूल ही होता है। तो 74 विद्यापीठ हमारे ऑल ओवर इंडिया चलते हैं एंड श्रीनगर विद्यापीठ इज़ वन ऑफ दो 74 विद्यापीठ और 28 पाठशाला चलती है। पाठशाला और विद्यापीठ में बस एक माइनर डिफरेंस है कि पाठशाला में हाइब्रिड मॉडल चलता है, बच्चा ऑनलाइन स्क्रीन पे जो आप पीछे देख पा रहे हैं क्लासेस ऑनलाइन लेता है बट ऑफलाइन में वहाँ पे सपोर्ट सिस्टम नॉन अकेड का रहता है। बट विद्यापीठ में क्लासेस ऑफलाइन में चलती है, सपोर्ट सिस्टम भी पूरा ऑफलाइन का होता है और ये भी एक हाइब्रिड मॉडल है। और इसके अलावा रिसेंटली हमने एक PWIOI रिसेंटली एक प्रोग्राम शुरू किया, इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे मेजर फोकस इस चीज़ पे दिया जा रहा है कि जो भी बच्चे फिजिक्स वाला से इधर वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ के जा रहे हैं फ्यूचर में हम उनको इस एनेबल बनाए कि वो जॉब ओरिएंटेड जो अभी फिजिक्स वाला डील कर रहा है। वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन अ माइनर लेवल जहाँ पे हम 11th एंड 12th के बच्चों को फोकस करके पढ़ाते हैं इन JEE NEET कैटेगरी।